और रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कांग्रेस का मौन सत्याग्रह जारी है। शाम तक यहां पर कांग्रेसी बैठेंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री, सांसद, विधायक का और कांग्रेस जिला अध्यक्ष समेत नेता कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के मानहानि मामले में मिली 2 साल की सजा पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया था। कांग्रेस अब उसी का विरोध कर रही है। अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड में कितना पैसा दिया है? ये कितनी है मॉरिशस में जो शेल कंपनीज है? और क्या ये काम अदानी जी फ्री में कर रहे हैं? सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। मैं पूछता जाऊँ मेरे पर जल्दी रखता है। तो देखिए, राहुल गांधी मामले को लेकर आज पूरे देश भर में कांग्रेस ने अपने अपने राज्यों के राजधानी में मौन सत्याग्रह निकाला है और इसको लेकर सुबह से ही वो मौन सत्याग्रह पर बैठे हैं। इसको लेकर आज झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में बापू वाटिका स्थित मौन सत्याग्रह पर बैठे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी पर हुए मानहानि मुकदमे पर सुनाए गए फैसले को लेकर अब विरोध किया जा रहा है। कांग्रेसियों का कहना है कि ये केंद्र सरकार की साजिश है, जबकि ऐसा कुछ मामला बनता ही नहीं था। अब इसी को लेकर और आपको सीधे लिए चलते हैं मोरहाबादी मैदान, जहां पर मौन सत्याग्रह चल रही है और वहीं पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आदरणीय रविंदर सिंह जी हैं, ममता जी हैं और हमारे जो लगातार मंत्री दिन भर बने रहे, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी हैं, उमा शंकर अकेला जी हैं, शिल्पा नेहा तिर्की जी हैं और तमाम जिलों के जिला अध्यक्ष गण उपस्थित रहे हैं। तमाम पूरी प्रदेश कमेटी है, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा है, आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, एससी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। सभी लोगों ने बहुत तरीके से, बहुत संयम के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं, आपका भी धन्यवाद करता हूं। अगर कोई और सवाल होगा तो आज के बाद होने से ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हाँ इस पे बीजेपी का आरोप है कि वोट ये सब सारा कुछ कर रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुकदमा कौन किया? क्या पूर्णेश मोदी कोर्ट का आदमी है कि पूर्णेश मोदी भाजपा का आदमी है, भाजपा का विधायक है? तो ये देखिए, ये सुनियोजित साजिश है। आप गए मामले को लेकर के कोर्ट में, भाषण में के दौरान बहुत सारी चीजें कही जाती है और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से लगातार मंच से अपनी बात रखते हैं, अगर जिस तरह से हमारी जो सबसे सर्वोच्च नेता है और जिनके लिए पूरा देश उनको आदर की दृष्टि से देखता है, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनके बारे में जिस तरह का वक्तव्य बोला गया, अगर हम लोग उस पर जाते मुकदमे पर, तो वो हमको लगता है कि तड़ी पार लोग पहले से जो है वो पूरी तरह से तड़ी पार हो जाते हैं। लेकिन हम लोग समझते हैं कि राजनीति में जब कोई आरोप लगता है तो जब तक सत्य नहीं होता है तब तक उसकी कोई है। आदरणीय रविंदर सिंह जी हैं, ममता जी हैं और हमारे जो लगातार मंत्री लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।